व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज देवराज मोरे। पटना लाइट पे आपको मिलेगा लाइट, ए लाइट। व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज देवराज मोरे। कैसा रहा पेपर? पेपर वाज टफ, लिटिल बिट टफ, बट ओवरऑल पिछले साल से इट वाज लाइक मिक्स अप्रोच। मिक्स था, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन आए एंड थोड़े से प्रिडिक्ट भी कर सकते थे क्वेश्चंस, बट ये साल यूपीएससी ने पूरा घुमा दिया। अच्छा। मतलब वो बोलते ना, यू स्टैंड फॉर अनप्रिडिक्टेबल, वो सही था, ये बार प्रूफ कर दिया। तो एक कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ही सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, प्रीवियस अटेम्प्ट जो रहा उसके कंपैरेटिवली पेपर इस बार क्या सीन है? मतलब प्रीवियसली भी पेपर वैसे देखा जाए तो अटेम्प्ट, मतलब जो मैं जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन विदाउट प्रिपरेशन मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, तो वो मैंने ऐसे ही दिया था, लेकिन इस बार प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट दिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था। और देखो भगवान की कृपा यार, क्वेश्चन अपने फेवर में भी थे थोड़े से। अच्छा, कुछ फेवर में थे? हाँ, थोड़े से नहीं थे। और पेपर मतलब ऐसा बोला जाए तो 60% डिफिकल्ट था, 40% ईजी था। जैसा बोल रहे अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था क्या? हाँ वही, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पूछने चाहिए यार। मतलब अभी यूपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें आता है कि जनरल कैंडिडेट भी अपियर कर सकते हैं और वो भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, लेकिन ऑप्शन जैसे सेट करते हैं कि यार मतलब तुक्का नहीं लग रहा है, स्पेशलिस्ट नॉलेज होना ही चाहिए कौन से भी क्वेश्चन में। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगा क्वेश्चन का? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ये बार चेंज कर दिया उन्होंने, पहले वो पूरा पॉलिटी का सेक्शन पूछेंगे पहले 10-12 क्वेश्चन, उसके बाद में आयर पूछेंगे, उसके बाद में इकोनॉमी पूछेंगे, लेकिन इस बार पूरा मिक्स था और इकोनॉमी से भी इतना कुछ क्वेश्चन आए नहीं। मतलब मेजॉरिटी कैंडिडेट बच्चे क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस वाले बच्चे इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक वो पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा नहीं आए, ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड आए। हाउ विल यू रेट दिस पेपर? 7 out of 10। 7 out of 10, या बिकॉज होता क्या है कि अभी का साल 23 है, तो और 24-25 के जो बच्चे अपियर होने वाले उनके लिए एक बहुत अलग ट्रेंड यूपीएससी शायद सेट कर रहा है, वो एग्जामिनर के माइंडसेट से दिखता है। एनी वन लाइन फॉर यूपीएससी? एनी वर्ड भाई, थैंक्स यार फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड देखते अभी सी सेट का पेपर कैसा आता है। दैट्स ग्रेट एंड गुड लक फॉर योर सी सेट। थैंक यू सर। जय हिंद। कैसा रहा सर? सही। कितना करा सर आपने? 70 अटेम्प्ट करे। 70। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चंस का? कैसे मतलब टॉपिक वाइज? हाँ, टॉपिक वाइज कह नहीं सकते यार।